लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 टू बी विच इज 1, 3, 5 सच दैट रिलेशन आर इज ए कॉमा बी वेयर ए इज लेस देन बी एंड वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी देन वॉट इज आर ओ आर इनवर्स इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ए टू बी है, और हमें ये भी पता है कि आर हमें जो स्मॉल ए एलिमेंट है हमारा वो क्या है, सेट ए से और बी एलिमेंट बी से, और गिवन है कि ए इज लेस देन बी है, तो हमारा जो रिलेशन आर होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, तो रिलेशन आर में हमारे एलिमेंट होंगे सी, जब ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आइदर 3 हो सकती है और 5 हो सकती है, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए है, तो एक एलिमेंट क्या हो सकता है 1, 3 या फिर क्या हो सकता है 1, 5। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो भी क्या होगा, बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, एंड देन अगर ए की वैल्यू क्या है 3 है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल ओनली 5, एंड सिमिलरली अगर ए की वैल्यू क्या है 4 तो बी की वैल्यू भी ओनली पॉसिबल है 5। तो ये क्या हमारा आर है, तो आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स में क्या होता है रिलेशन क्या होता है एलिमेंट्स क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, तो मीन्स हमारा 1, 3 था तो वो क्या जाएगा 3, 1, ऐसे ही सिमिलरली 1, 5 था तो क्या हो जाएगा 5, 1, सिमिलरली 2, 3 था तो हो जाएगा 3, 2, ऐसे ही 2, 5 था तो हो जाएगा 5, 2, 3, 5 था तो हो जाएगा क्या 5, 3, एंड सिमिलरली 4, 5 था तो क्या हो जाएगा 5, 4। अब हमें निकालना है आर ओ आर इनवर्स, तो आर ओ आर इनवर्स, तो अगर आर इनवर्स में मैं देखूं है ना, तो हमें स्टार्टिंग में क्या पुट करना है, सी हम स्टार्टिंग में क्या है बी आर इनवर्स में क्या होता है, पहली एंट्री क्या होती है हमें सेट बी से लेनी होती है, सेट बी में क्या है हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सेट बी में हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5, ये 3 एलिमेंट्स है ना। तो अगर क्या बोलते हैं मैं देखूंगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो सी 1 में तो 1 का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, अगर हम देखेंगे आर इनवर्स में, तो आर ओ आर इनवर्स देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो अब मैं आर इनवर्स में से पहला लेटर क्या ले सकता हूँ, आइदर 1 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ और 5 ले सकता हूँ। लेट से मैंने क्या बोलते हैं, लेट से मैं बोलता हूँ आर ओ आर इनवर्स की वैल्यू क्या है y के इक्वल है ना, और जो हम आर इनवर्स ले रहे हैं वो लेट से एलिमेंट जो है वो x के इक्वल है ना। तो अगर मैंने x की वैल्यू ली इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 लेने पे सी आर इनवर्स में पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो किसी भी एलिमेंट में x इक्वल टू 1 है ही नहीं, तो ये वाला केस से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, ठीक है x की वैल्यू मैं लेता हूँ 3, तो अगर मैं 3 देखूंगा तो 3 लूंगा तो हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, सी हमें 1 भी मिल सकता है, हमें 2 भी मिल सकता है, हमें ये 2 वैल्यू मिल सकती है, है ना। तो सिंपली यहाँ से x की अगर 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो क्या जाएगी x वैल्यू हमने 3 ली तो आउटपुट में आइदर 1 हो सकता है और क्या हो सकता है 2 हो सकता है, तो 2 आउटपुट हो सकते हैं। अब अगर हमारा आउटपुट 1 है तो अब r ऑफ 1 ये क्या हो गया सी r ऑफ r इनवर्स, तो अभी हमने r इनवर्स सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू क्या हो गई इनडायरेक्टली, ये वैल्यू हो गई है इनडायरेक्टली r ऑफ 1, और ये वैल्यू हो गई क्या r ऑफ 2। तो अब r ऑफ 1 और r ऑफ 2 की वैल्यू अब हमें देखनी पड़ेगी। हमने क्या लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लिया है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सेट क्या बनेंगे, 3 हमारी पहली इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू थी, अब r ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो सकती है सी 3 हो सकती है, 1, 3 इसका एलिमेंट और 1, 5 इसका एलिमेंट है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है 3, 3 तो इसकी पॉसिबल वैल्यू है और 3, 5 भी इसकी पॉसिबल वैल्यू है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 है तो r ऑफ 2 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, अगर हम देखेंगे तो r ऑफ 2 के लिए भी यहाँ पे 3 पॉसिबल है या 5 पॉसिबल है ना, तो क्या हो जाएगा 3, 3 और 3, 5। अब ये तो x इज इक्वल टू 3 के लिए था, अब x इज इक्वल टू 5 के लिए अगर मैं देखूंगा तो 5 के लिए क्या क्या हमारे पास में इनवर्स में पॉसिबल वैल्यूज है, सी 5 के साथ में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो सारे पॉसिबल वैल्यू है ना, तो क्या जाएगा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड 4 भी आ सकता है, सी सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज है इनवर्स में हम देखेंगे तो, है ना। अब इससे क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि आर ऑफ 1 इससे मिल गया आर ऑफ 2, इससे क्या मिलेगा आर ऑफ 3, और इसे क्या मिल सकता है R ऑफ 4, है ना। अब R ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या है अगर हम देखेंगे तो R ऑफ 1 की वैल्यू है हमारे पास में आइदर 3 और 5, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा आइदर 5, 3
और 5,5। सिमिलरली 2 के लिए भी हमें क्या मिलेगा, r ऑफ 2 के लिए भी अगर हम देखेंगे तो आइदर 3 और 5, यहाँ से आएगा आइदर 3 और 5, तो क्या जाएगा 5,3,5,5। सिमिलरली r ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 3 के साथ हमारे रिलेशन r में एक ही लिमिट है 3,5, तो क्या जाएगा 5,5, तो इट इज 5,5। और 4 के साथ भी क्या जाएगा एलिमेंट, इट इज 5,5। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में एंट्री से 4 टाइप्स की आई हैं। सी सबसे पहली एंट्री है 3,3, फिर है 3,5, देन 5,5 एंड 5,3, और बाकी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो अगर हम आर ओ आर इनवर्स देखेंगे तो उसमें हमारी कौन कौन सी एंट्री होगी, तो आर ओ आर इनवर्स में जो हमारी एंट्री आई है वो है, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जगह 3,3, 3,5, 5,3 एंड 5,5। ये क्या हो गई हमारी आर ओ आर इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।